माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है। सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की आज निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं उदासी छाई हुई है। हर कोई परेशान है कि बिहार में जो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इससे आम हो या खास कोई भी नहीं बच पा रहा है। कल देर रात मुकेश सहनी के पिता, जो दरभंगा अपने पैतृक आवास पे रह रहे थे, अचानक से कुछ अपराधी तत्वों के लोग पहुंचते हैं और चाकू से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से आप देखेंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दुखी मन से मुंबई से राजधानी पटना पहुंचे हैं। तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं, जहां पर मुकेश सहनी पहुंच रहे हैं और मुकेश सहनी के साथ साथ तमाम जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो भी मामले बन के आए हैं। मुकेश सहनी जब मुंबई से पटना आते हैं तो इसके पीछे कौन रणनीति बना रहा है, कौन किसने साजिश रची उनकी हत्या की, इस पर उन्होंने बातचीत किया है। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, ये भी मुकेश सहनी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनाते चलते। क्या रहेंगे, क्या मुझे थोड़ा हूँ और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव की जानकारी प्राप्त हुआ है। अधिकारी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और सभी लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है। तमाम हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, राज्य के विभिन्न और देश के विभिन्न सभी लोगों से बातचीत हुई है। हम सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दीजिए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ और सामने वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। बातचीत हुई है और सब ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और तमाम जितने भी हमारे देश के राष्ट्रीय नेता है सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और नजर बनाए रखते हैं और उसके उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।